गुंडे माफिया और आतंकियों के मुद्दे पर घिरे अखिलेश यादव जी, अमित शाह और केशव मौर्य का अखिलेश पर बड़ा हमला। एसपी शासन में यूपी आतंकियों का हॉटस्पॉट था, ये गृह मंत्री की तरफ से कहा गया है। समाजवादी फैक्ट्री में अपराधियों का प्रोडक्शन होता था, ये केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से कहा गया है। चौथे दौर में साइकिल बंगाल की खाड़ी में जा गिरेगी, ये कहते हुए भी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य नजर आए। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। आतंकियों के मुद्दे पर लगातार बीजेपी समाजवादी पार्टी पर हमलावर है। जब सत्ता में आए अखिलेश बाबू, संकट मोचन मंदिर पर हमला हुआ था, बम धमाका हुआ था। अखिलेश यादव जी जो गुंडों के, अपराधियों के, माफियाओं के, दंगाइयों के, अपहरणकर्ताओं के सरदार हैं, उनको दर्द होता है कि बुलडोजर क्यों चल रहा। आतंकियों के हम दर्द होंगे खंड खंड। लखनऊ में बम धमाका हुआ था, इस सारों को छोड़ने का उन्होंने घोषणा पत्र में वादा किया था। लाल फैक्ट्री में गुंडों का प्रोडक्शन, अवध में कमल, समंदर में साइकिल, चौथे चरण के रण में निर्णायक जंग, आजमगढ़ के आतंकी के अब्बा से बबुआ के रिश्ते ने समाजवादी कुनबे को बैकफुट पर ला दिया है। गुंडे माफिया और दंगाइयों के मुद्दे पर पहले से ही घिरे अखिलेश यादव को जवाब देते नहीं बन रहा। अहमदाबाद ब्लास्ट के दोषी आतंकी के पिता के साथ अखिलेश की तस्वीर को लेकर बीजेपी हमलावर है, लेकिन बबुआ अलग ही राग अलाप रहे हैं। आतंकियों से समाजवादी पार्टी की हमदर्दी पर बबुआ को जवाब देते नहीं बन रहा। अमित शाह ने सोमवार को कहा कि एसपी बीएसपी के शासन में यूपी आतंकियों का हॉटस्पॉट बन गया था, तो आतंकियों के केस वापस लेने के मुद्दे पर सीएम योगी अखिलेश को सवालों के चक्रव्यूह में घेर रहे हैं। इन्होंने किस हैसियत से उत्तर प्रदेश की सुरक्षा और देश की सुरक्षा के लिए घातक बने हुए आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का उस समय दुशासनिक कृत्य किया था। अपराधियों और आतंकियों के मुद्दे पर बीजेपी लाल गैंग को रेड सिग्नल दिखा रही है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने सोमवार को कहा कि समाजवादी पार्टी अपराधी पैदा करने का कारखाना है। चौथे चरण में साइकिल बंगाल की खाड़ी में जा गिरेगी। जवाब में अखिलेश में भगवा की खाट खड़ी करने का दम भर रहे हैं। और इस बार जनता ने भारतीय जनता पार्टी की खटिया खड़ी कर दी है, इसीलिए इनके बयान घटिया आ रहे हैं। अवध की लड़ाई से पहले दोनों तरफ से बयानों के ब्रह्मास्त्र चलाए जा रहे हैं। सुशासन और विकास के मुद्दे पर भगवान ने बबुआ को चतरफा घेर रखा है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भी छड़ी के सहारे अवध और पूर्वांचल में बीजेपी को शून्य करने का दावा कर रही है। फैसला अब जनता के हाथ में है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।